हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डन में। तो कौन कौन से फ्लावर जो हैं इस समय खिल रहे हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कल शाम को मैंने जो है अपने जो स्टैंड है मेरे आयरन के जो लोहे के स्टैंड हैं उनको जो है पेंट करने का काम शुरू किया है। तो ऐसे कामों में टाइम तो लगता ही है फ्रेंड्स। तो जो है कल से मैंने स्टार्ट किया है और आजकल बारिश भी जो है रोज ही हो रही है तो काम में फिर बाधा जो है आ जाती है। तो आप देख पा रहे हो फ्लावर्स कितने सुंदर सुंदर खिले हुए हैं गार्डन में। तो बारिश होने के बाद जो है प्लांट्स की रौनक बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि कितने सुंदर फ्लावर्स जो हैं कुंजलता के वाइन में खिलने लगे हैं और यह बीज की तरह जो है मैंने ग्रो किया है। और इस समय अलमंडा के प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है हो रही है और मुझे इस प्लांट को जो है रिपोर्ट भी करना है क्योंकि इसका जो प्लांटर है वो टूट गया है क्योंकि प्लास्टिक प्लांटर में लगा हुआ था ये, तो ये भी टूट गया है इसका प्लांटर। तो इसको रिपोर्ट करना है, देखती हूँ कब रिपोर्ट कर पाती हूँ। इस बहुत सारी कलियाँ बनी हैं तो मुझे डर लगता है कहीं ये प्लांट जो है सॉक में ना चला जाए, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ अभी। तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है अलमंडा के प्लांट्स कर रहे हैं। और इधर मैं आपको ले आई हूँ अपनी बालकनी में, तो बहुत ही सुंदर सुंदर हैबिस्कस के वाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं खिले हैं और हैबिस्कस में जो है फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी इस समय हो रही है। आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी कलियाँ जो हैं बनी हुई हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये वाइट कलर का हैबिस्कस। और अभी हाइब्रिड वाले में जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है लेकिन जो है इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है देसी वाले में। और टिकोमा भी बहुत ही अच्छे से जो है ब्लूम हो रहे हैं। टिकोमा के जो प्लांट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और में जो है कलर्स भी आपको मिल जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके ये फ्लावर्स। तो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग जो है इस समय टिकोमा के प्लांट कर रहे हैं लेकिन मेरा जो गोरी चोरी का प्लांट है अभी इसमें जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और अडेनियम भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पर आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इसमें एनपीके का यूज़ किया था, उसके बाद बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग यहाँ कर रहे हैं। और जो ट्रोफा भी बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग कर रहा है इस समय, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ये सब मेरे हार्डी प्लांट घर ही रखे हुए हैं जो बहुत ही तेज़ धूप में चलने वाले प्लांट हैं। ये कनेर वगैरह हैं और हिबिस्कस वगैरह सब बालकनी में रखे रहते हैं तो इसमें पूरे दिन की धूप जो है लगती है। और ये सदाबहार के प्लांट्स कितने सारे जो हैं लगे हुए हैं तो उनको डिवाइड करती रहती हूँ मैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये सदाबहार के फ्लावर्स जो हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का कनेर का प्लांट मेरा है येलो और वाइट कलर का इधर लगा हुआ। और बॉटल्स में मोज़ रोज़ और पर्सलिन की कटिंग जो है लगी हुई है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो मेरे जो स्टैंड्स हैं मैंने उनको वाइट कलर में जो है पेंट किया है। तो कुछ जो हैं मेरे स्टैंड्स कलर हो चुके हैं आप देख पा रहे हैं और कुछ जो हैं अभी मुझे करने भी हैं। तो ये सारे मेरे रेडीमेड स्टैंड हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं मार्केट से और इनको काफ़ी दिनों से मैंने कलर नहीं किया था तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो वो लग रहा था मोर्चा लग रहा था तो मैंने कहा इनको कलर कर देती हूँ ताकि इनकी भी लाइफ जो है लंबी हो जाए, तो मैंने इनको कलर करना स्टार्ट किया है। ये सारे रेडीमेड ही मेरे जो हैं स्टैंड हैं तो इन सब में मैं जो है अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं वो रखती हूँ, जैसे कि स्पाइडर प्लांट वगैरह रखे होते हैं मेरे स्टैंड के ऊपर। तो बहुत ही सुंदर लगने लगा है कलर करने के बाद। तो मेरे पास वाइट पेंट जो है रखा हुआ था तो मैंने वाइट से ये सारे स्टैंड जो है मैंने कर दिए हैं। और फिर मैंने अपने जो आयरन के स्टैंड बनवाए थे लोहे के, ये इन पर जो है अपने पॉट्स वगैरह रखती हूँ जो धूप में रखे रहते हैं, तो इनको जो है मैं येलो कलर से कर रही हूँ क्योंकि वाइट पेंट जो था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने इस बार जो है येलो पेंट मंगाया है तो ही अब अपने स्टैंड्स को कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा जो है ये ख़राब हो गए थे तो इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था पेंट करना ताकि ये ख़राब ना हो, तो यही काम जो है मैं कर रही थी। तो जो है बारिश भी अब रोजी हो रही है तो फिर मैं छत पर ही सारा काम ये वाला करती हूँ तो फिर काम रुक जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि इतना ज़्यादा जो है इसमें बादल छाए हुए हैं और मैं जो है कलर करना बहुत सारे स्टैंड बचे हुए हैं अभी।